पिपरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। दरअसल इलाके में 8 दिन पहले 60 वर्षीय महिला भारती देवी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में सफलता हाथ नहीं लगी है। वो हत्यार जो हुआ है उसी के संबंध में हथियार कपड़ा उपड़ा में खून लगा हुआ जो कहाँ उसका साल है सूट समीज है ये सब खोज रहे हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। वो चप्पल मिला है डॉग के द्वारा मिला है, तो आधार पर अनुसंधान जारी है, अभी तो कोई साक्ष्य। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य आनंद जुड़ गए हैं। जी आदित्य आनंद, सीतामढ़ी में पुलिस को अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है हत्या मामले में, क्या कुछ है अपडेट? जी अलका, मैं बता दूं कि ये पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी कहा जाए कि 8 दिन हो गए और अभी तक पुलिस के हाथ में सिर्फ चप्पल एक उन्हें लगा है, जो कि अभी तक वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि अपराधी का है या किसी और का है। बता दूं कि ये जो हत्या हुआ है वो डीएम आवास से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुआ जी। और पुलिस 8 दिन के बाद वो सुराग ढूंढने जा रही है जहां उन्हें सिर्फ चप्पल हाथ लग रहा है। इतने दिन पुलिस क्या की इसका कोई भी वो अपने रिकॉर्ड को नहीं बता रहे हैं, क्या उन्होंने अनुसंधान किया इसे नहीं बता रहे। 8 दिन के बाद जब फॉरेंसिक जांच की टीम आती है उसके साथ पुलिस वाले जाते हैं तो वहां नाली से उन्हें शराब की बोतलें मिलती हैं 2-3 और ये चप्पल मिलता है। आदित्य, इस मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन अभी तक जो ये इनकी 6 पुत्रियां हैं, पुत्रियां बस जांच की मांग कर रही हैं कि निष्पक्ष जांच हो कि घटना का कारण क्या है, क्योंकि मृतक महिला जो भारती देवी है वो अकेले घर पर रहती थी और काफी वृद्ध महिला थी, इस कारण उनके हत्या की कारण लूट है या फैमिली कारण है ये अभी तक पुलिस मालूम करने में नाकाम साबित हो रही है। जी जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।